स्टोरी विद अरुण सुनने वाले आप तमाम श्रोता सब में मैं अरुण गिरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय श्रोता, घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और ये समय है प्राइम टाइम नॉवेल का, यानी कि रात्रिकालीन प्रस्तुति। रात्रिकालीन प्रस्तुति में बीते हफ्तों से आप लोग सुन रहे हैं सस्पेंस, थ्रिलर और साइकोलॉजिकल मर्डर मिस्ट्री स्टोरी सीरीज मासूम कातिल। आज की श्रृंखला में इसी सीरीज की आप लोग चौथी एपिसोड सुनेंगे। अगर इससे पहले आप लोग इस सीरीज के पिछले एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरी इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस मर्डर मिस्ट्री स्टोरी सीरीज की पिछले एपिसोड को सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विद अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ साइको थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री स्टोरी सीरीज मासूम कातिल। सुनिए इसी सीरीज की चौथी एपिसोड आरजे अरुण के साथ। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है जिंदगी में बदलाव लेकर आता है। हमारा रहन सहन, पहनावा, हर चीज में बदलाव आता रहता है। तकनीक ने जीवन में कई चीज़ें बदल दी है। बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई और बहुत सी बुरी चीज़ें। एक फैशन पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो। अपराधियों का भी काम करने का अपना तरीका होता है, खुद को बड़ा दिखाने के लिए, अपने प्रचार के लिए, अपने आप को और अधिक विकसित करने के लिए वे अब सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे कई गिरोह हैं जो फेसबुक पर अपनी और गिरोह के काम की तस्वीर अपने हथियारों के साथ डालते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई शहरों में ऐसी संस्कृति ज़्यादा है जो गैंगस्टर है, वे इस तरह की तस्वीरें डालते हैं। अगर वो जेल के अंदर हैं तो वो वहाँ से भी इसे अपलोड करते हैं और किस जगह पर क्या अपराध हुआ है उसे भी डालते हैं। ये लोग बहुत निडर है, इसलिए अपराधियों को भी इस सोशल मीडिया के जरिए अन्य लोगों की तरह एक मंच मिल गया है अपने अपराध को खुलकर सबको दिखाने के लिए, सब में अपना दबदबा कायम करने के लिए। हर एक आदमी की सोच होती है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करे, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक आदमी कड़ी मेहनत करता है ये सोचकर कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को पाए, उसे तरक्की मिलती है, उसका पैसा बढ़ता है। लेकिन यही बात अपराधियों द्वारा अपनाई जा रही है। वे अपने सारे कारनामे, अपनी सारे बातें सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, बेशक कोई नाम ना हो, लेकिन ये ज़्यादा बदनाम हो सके, उनकी ज़्यादा दहशत हो सके कि लोग कहें कि देखो ये बहुत बड़ा बदमाश है और अगर आप इससे कोई पंगा लेते हैं तो ये आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए उसके बातों को स्वीकार करें, उससे डरें। इसलिए ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी प्रोफाइल बढ़ाने और अपनी दहशत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि लोग बाद में क्रिमिनल गैंगस्टर बनते हैं, उससे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की है जो सोशल मीडिया पर अपने बारे में बहुत सारी बातें डालता है और उसके बाद धीरे धीरे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का रहने वाला था। वो 20 साल का भी नहीं था। वो 20 साल की उम्र से 2 महीने और 2 दिन पहले अपने अंत तक पहुंच गया था। इस काम में जिस तरह से दुर्लभ कश्यप ने अपराध की दुनिया में अपना आतंक चलाया, उससे उज्जैन ही नहीं इंदौर भी डरता था। उसके गिरोह के बहुत ज्यादा सदस्य थे,
इसके अलावा उसके फॉलोअर्स भी थे क्योंकि वो सोशल मीडिया का भी सहारा लेता था। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस देश का अकेला गैंगस्टर था जिसने अपने गैंग के लिए ड्रेस कोड बनाया था और ये उसने खुद शुरू किया था। माथे पर लाल तिलक, आंखों में सुरमा, कंधे पर दुपट्टा या गमछा, बड़े बाल इसकी पहचान थी और यही इसके गिरोह की पहचान भी थी। वे सभी लगभग एक ही पोशाक में रहते थे। माथे पर तिलक लगाना, दुपट्टे या गमछे के कंधे पर रखना, बड़े बाल रखे और फिर अपराध की ओर बढ़ना, बड़े को छोड़कर छोटे बच्चे भी दुर्लभ कश्यप के प्रशंसक बन गए। उन्हें सोशल मीडिया पर देख रहे थे। वे भूल गए थे कि पाप का मार्ग बहुत छोटा होता है, ये बहुत दूर तक नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे अपनाया। ये कहानी है एक गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। ये कहानी इसलिए भी बहुत दुखद है क्योंकि इस कहानी में दुर्लभ कश्यप के पिता हैं। दुर्लभ कश्यप के निधन के बाद वो मीडिया से बात करते हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी डालते हैं। उसमें उनकी गुजारिश है कि कोई भी मेरे बच्चे की तरह इसे कॉपी ना करे, ये तरीका सही नहीं है, ये बहुत कम उम्र में मृत्यु का कारण बनता है। उनकी अपील बहुत ही भावनात्मक थी, एक गैंगस्टर के पिता की अपील थी। कल्पना कीजिए कि उसके दिल पर क्या बीती होगी। उज्जैन शहर, तिथि 8 नवंबर थी। इस दिन दुर्लभ कश्यप का जन्म हुआ था। रजनीश कश्यप एक व्यापारी है और जो दुर्लभ कश्यप की माँ थी, एक स्कूल टीचर थी। दुर्लभ का जन्म एक सुशिक्षित परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से भी परिवार ठीक था। इसके बाद माता पिता ने भी उसका नाम दुर्लभ रखा क्योंकि बेटा बड़ा होकर कुछ अच्छा करेगा। दुर्लभ का मतलब कुछ अनोखा होता है। कुछ जगहों पर तो दुर्लभ ने सोशल मीडिया पर खुद को कोहिनूर लिखा था, यानी को खुद को कोहिनूर समझता था और वैसे ही अपने आप को बनाए रखना चाहता था। कोहिनूर दुर्लभ कश्यप, यही लिखा था उसने। इसलिए माता पिता को उम्मीद थी कि बेटा है वो जीवन में कुछ अच्छा करेगा। उन्होंने उसे एक स्कूल में दाखिला दिलाया, लेकिन स्कूल में ही दुर्लभ कश्यप के असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगे। थोड़ी दिनों बाद हाई स्कूल में सीनियर और जूनियर के बीच झगड़ा होता तो उसमें कूद पड़ता। धीरे धीरे उसकी वैल्यू इतनी हो गई कि उसने सीनियर और जूनियर के बीच की लड़ाई को निपटाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उसकी वैल्यू इतनी हो गई कि उसने सीनियर और जूनियर के बीच की लड़ाई को निपटाना शुरू कर दिया और फिर स्कूल में उसकी छवि एक मजबूत छात्र की बन गई। उसके बाद जो भी झगड़े होते, लोग दुर्लभ कश्यप के पास आते, वो भी एक बच्चा था, लेकिन बदमाशी शुरू से ही थी। वो स्कूल के दौरान वो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करता है। उसके बाद सब कुछ ठीक रहा, लेकिन स्कूल में उसके साथ जो हुआ उसका असर उसके दिमाग पर पड़ा और 2016 आते आते वो अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। ये सब चीज़ें होने लगी 2017 तक। उसने उन स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर अपना एक अलग गिरोह बनाया और अब उन्होंने उधार वसूली, कार का शीशा तोड़कर कार लूटना, उन्होंने ये सब चीज़ें करना भी शुरू कर दिया और वो सिलसिला लगातार जारी रहा। धीरे धीरे गिरोह बढ़ता गया और लोगों को लूटा, जबरन वसूली, ये सब चलता रहा। अब 2018 आ गया था और 2018 में दुर्लभ कश्यप फेसबुक पर एक संदेश डालता है। वो संदेश ये था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैंगस्टर हत्यारा कितना बड़ा या कितना ताकतवर है, कोई भी परेशान करता है, चाहे कोई भी विवाद हो, हमसे मिले और हमसे संपर्क करें, हम आपके साथ हैं।
फिर फेसबुक पर कुछ ऐसे ही फिल्मी अंदाज में और पोस्ट डाले गए। उम्र छोटी है लेकिन बड़ा काम करना है, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे जो भी होगा। अब वो खुले तौर पर फेसबुक पर ऐसी कई बातें लिखकर शेयर करके डाल रहा है। एक कारण से वो अपराध के लिए विज्ञापन दे रहा है कि यदि आपको कोई समस्या है, कोई आपको परेशान कर रहा है, क्या आपका कोई विवाद है, तो आप हमसे संपर्क करें, हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं। अब जब ये सारी बातें आ गई तो उसके खिलाफ लूट के कई मामले भी दर्ज हो चुके थे, वो भी महज 16-17 साल की उम्र में। इसलिए धीरे धीरे उसका क्राइम का विज्ञापन काफी चर्चा में आने लगा और ये देश का पहला ऐसा विज्ञापन था जो सोशल मीडिया पर बड़े उत्साह के साथ चल रहा था। अक्सर लोगों ने दीवार या पैम्पलेट पर ट्रेन या बस से आने वाले विज्ञापन देखे होंगे। क्राइम को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर लोग पहली बार विज्ञापन देख रहे थे। कोई खुले में अपराध कराने के लिए इस तरह का खुला काम कर रहा है। तो ये सब कुछ दुर्लभ कश्यप ने सोशल मीडिया पर शुरू किया था। इसलिए जब इन सभी सोशल मीडिया के व्यवधान का मामला पुलिस तक पहुंचा, तो कई मामले दर्ज किए जा चुके थे और ये एक खुला सबूत था कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऐसी चीज़ें चल रही है। उसने व्हाट्सएप पर अपने गिरोह का एक ग्रुप भी बनाया था और रोजमर्रा की दिनचर्या की सारी बातें होती थी कि क्या काम किया जाता है, कहाँ जाना है और क्या करना है, कैसे करना है। इस तरह से दुर्लभ कश्यप का नाम बड़ा होने लगा। छोटी उम्र के कई बच्चे उसके ग्रुप में थे जिनमें से कई नाबालिग थे। 14 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चे सोशल मीडिया से दुर्लभ कश्यप को फॉलो करने लगे और फिर इसमें शामिल हो गए। कहा जाता है कि कई बच्चे ऐसे भी थे जो दूसरे शहरों से आने लगे और कहने लगे कि दुर्लभ कश्यप को ज्वाइन करना है। धीरे धीरे उसकी गैंग बढ़ने लगी और उसकी गैंग के सदस्य महज 14 से 18 साल के नाबालिग बच्चे होते थे। बताया जाता है कि उसके गिरोह में शामिल बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, 40-50 से भी और अधिक। और इस गैंग की पहचान के लिए वही ड्रेस कोड जो गैंग में शामिल होता है, जरूरी था कि आप माथे पर तिलक लगाएं, आप अपनी आंखों में सुरमा लगाएंगे, आप अपनी गर्दन के चारों ओर स्कार्फ रखेंगे, बाल थोड़े बड़े होंगे और पूरे गैंग के साथ एक फोटो शूट होता और उस फोटो शूट को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता कि ये एक दुर्लभ कश्यप गिरोह है। तो ऐसे कई आवारा लड़के सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट देकर उनके साथ जुड़ने लगे। इस तरह उनके अपराध की रफ्तार भी बढ़ती गई। उज्जैन और इंदौर पुलिस भी अब इस घटनाक्रम से तंग आ चुकी थी, लेकिन इस विज्ञापन के बाद पुलिस फिर हरकत में आई और उसके बाद आखिरकार अक्टूबर 2018 के महीने में पुलिस ने पहली बार उसे गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त उसकी उम्र महज 18 साल भी नहीं थी। उसके नाबालिग होने में वो अभी नाबालिग था और उसके बालिग होने में करीब 12 दिन बचे थे, लेकिन इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारे यहाँ जो कानून है वो नाबालिगों के लिए अलग है। दुर्लभ कश्यप को उज्जैन पुलिस ने उसके गिरोह के 23 सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन वो उस समय सिर्फ 12-13 दिनों की वजह से नाबालिग था, इसलिए जेल भेजने की बजाय उसे बच्चे को सुधार गृह भेज दिया गया। अब बाद में 8 नवंबर को कुछ दिन बाद उसका जन्मदिन आया और वो बालिग हो गया था। फिर उसे बालिग जेल में जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल जाने के बाद भी उसका गिरोह काम करता रहा। इस गैंग की एक और बरामदगी ये हुई कि सभी लड़के ड्रग्स लेते थे
लेकिन जब भी इन्हें किसी काम को अंजाम देने जाना होता था तो ये कोई ड्रग्स नहीं करते थे। इस गिरोह के सदस्यों को शपथ दिलाई गई कि काम करते समय कोई भी ड्रग्स नहीं लेगा, और ये लोग वाकई काम के वक्त ड्रग्स नहीं लेते थे। लेकिन काम खत्म करने के बाद खूब नशा होता, सब कुछ होता। अब गिरोह के 23 लोग जेल में हैं, दुर्लभ कश्यप भी जेल में ही हैं। उनमें से कुछ नाबालिग थे, इसलिए उन्हें बाल सुधार में रखा गया था। कुछ बड़े थे या जो बड़े हुए थे उन्हें बाली के साथ जेल में रखा गया था। अब पिछले 1.5 साल से दुर्लभ कश्यप ने कई दुश्मन बना लिए थे, इसलिए जेल जाने के बाद जब वो बालिग हो गया था तब वो जमानत का हकदार था। अगर वो चाहता तो जमानत पर बाहर आ सकता था, लेकिन बाहर उसके दुश्मन इतने थे कि उसे लगता था कि अगर वो बाहर गया तो उसके दुश्मन उसे मार डालेंगे। इस दौरान सचिन अतुलकर उज्जैन के SSP हुआ करते थे, जिन्होंने उसे पकड़कर जेल भेजा था। उसके बाद जब वो जेल में था तो उसने जमानत नहीं ली। तो एक दिन सचिन अतुलकर रूटीन चेक के लिए जेल जाते हैं, और जेल की यात्रा के दौरान वो जेल के अंदर दुर्लभ कश्यप को देखते हैं। वे जानते थे कि जमानत पर बाहर आ सकता है, लेकिन ये अंदर है। वे उसके पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि जेल उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। तब जब तक जेल में है तब तक तुम जीवित हो, क्योंकि इतनी कम उम्र में तुमने इतने सारे दुश्मन बना लिए हैं कि बाहर जाने के बाद कोई भी तुम्हें जान से मार सकता है। लेकिन वो जेल में रहा, जमानत लेकर बाहर नहीं आया। इस दौरान मार्च 2020 का महीना आया, तब भी जमानत नहीं ली गई। लेकिन तब तक कोरोना का कहर देश पर टूट चुका था। हर तरफ कोरोना का महामारी इतना ज़्यादा फैल गया कि पूरे भारत लगाए सारे विश्व में त्राहीमाम फैल चुका था, और कोरोना ने सब कुछ बदल दिया था। पूरी दुनिया बदल गई थी। अब कोरोना में ऐसा हुआ है कि पूरे देश में कैदी है, वैसे हमारे देश में क्षमता से ज़्यादा कैदी है। तो अब सरकार का ये फैसला था कि जिनके अपराध या जो जमानत के हकदार थे, ये कोई गंभीर अपराध नहीं है, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, और जब कोरोना कम हो जाएगा तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा। फिर दुर्लभ कश्यप की बारी थी। वो पहले से ही जमानत का हकदार था, लेकिन वो इसे नहीं ले रहा था। लेकिन अब कोरोना की इस महामारी की स्थिति के चलते उसे जमानत पर भी बाहर निकलना पड़ा। उसे भी लगा कि अब लॉकडाउन है, देश में कोरोना का कहर चल रहा है, तो शायद बाहर सुरक्षित रहेगा। और वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो कुछ दिनों तक इंदौर में रहता है, और फिर अपनी माँ के साथ उज्जैन पहुँचता है, फिर वहीं रहने लगता है। लेकिन उज्जैन जाने के बाद उसकी पहले की दिनचर्या फिर से शुरू हो जाती है। बस रात में पार्टी करते हुए घूमता है, क्योंकि लॉकडाउन था, दुकानें बंद रहती थी, लेकिन हमारे कई लोग तब भी कानून तोड़कर बंद दुकानें खोलते थे। इसलिए वो रात में अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बाहर जाता है, नशे में बाहर घूमता है। उस वक्त वो उज्जैन में था। इसके बाद 6 सितंबर 2020 को एक रात दुर्लभ कश्यप उज्जैन में अपनी शिक्षिका माँ के साथ था। रात में उसके कुछ दोस्त उसे फ़ोन करते हैं। माँ ने उस दिन दाल बाटी बनाई थी, वो खाता है और फिर माँ से कहता है कि मैं बाहर से चक्कर लगाकर आता हूँ। वो बाहर जाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ कुछ दूर एक चाय की दुकान पर पहुँचता है। ये लोग उस दुकान पर चाय पी रहे हैं, और इस समय वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। एक तो सितंबर का लॉकडाउन नहीं खुला था, और रात 1:30 बजे के आसपास दुकानें खुली है, ये भी अपने आप में गैरकानूनी है। लेकिन कई बार दुकानों का अपनी मर्जी से या कानून के मुताबिक चोरी छिपे चलाना आम बात है। उसके साथ उसके 4 दोस्त थे, और ये 5ों लोग एक साथ चाय पी रहे थे, और संयोग से उसका एक दुश्मन उस दुकान पर आ जाता है। जेल में SP ने जो उसे कहा था कि इतनी कम उम्र में तुमने कई दुश्मन बना लिए हैं कि जेल तुम्हारे लिए सुरक्षित है,
यदि तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। 6 सितंबर 2020 शायद वही रात थी, दुर्लभ कश्यप की जिंदगी की आखिरी रात, उसके गुनाहों की आखिरी रात। शाहनवाज नाम का एक और बदमाश था जिसके साथ दुर्लभ कश्यप से पुराना झगड़ा चल रहा था। कई बार अपराध में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। अब उस रात वे आमने सामने थे। दुर्लभ के साथ सिर्फ 4 लोग थे और शाहनवाज के साथ करीब 10-12 लोग थे। चाय पीते समय शाहनवाज और दुर्लभ कश्यप के बीच वाद विवाद हो जाता है। पुरानी दुश्मनी एक प्रतिद्वंदिता थी। इसके बाद अचानक शाहनवाज गैंग के लोगों ने दुर्लभ कश्यप पर हमला कर दिया। उसके ऊपर चाकू से हमला होता है। दुर्लभ कश्यप भी अपनी जेब से पिस्टल निकालकर गोली चलाता है। गलती से गोली शाहनवाज के कंधे में लग जाती है, वो बच जाता है। लेकिन जब गोली चलती है तो शाहनवाज के बाकी सभी साथी दुर्लभ कश्यप पर टूट पड़ते हैं। दुर्लभ के साथी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और दुर्लभ कश्यप अकेला वहां फंस जाता है। उस पर करीब 34 चाकू से हमले किए जाते हैं और एक आई विटनेस ने बताया कि जिस चाय वाले की दुकान पर ये लोग चाय पी रहे थे, उसने कहा कि इसे जिंदा मत छोड़ो, नहीं तो उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब दुर्लभ कश्यप की उस 34 चाकू के हमले से मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद सामने वाला गिरोह भाग जाता है और पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस आती है और चाय वाले के बयान दर्ज किए जाते हैं। फिर पुलिस दोनों के लोगों को उठा लेती है। शाहनवाज और उसके गिरोह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन सभी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। दुर्लभ कश्यप पर हत्या के प्रयास का भी आरोप है, जबकि उसकी मौत हो चुकी है, उसने गोली भी चलाई। इसके बाद सभी को जेल भेज दिया जाता है। पुलिस चार्जशीट भी फाइल करनी है, मुकदमा जारी है। इस दौरान दुर्लभ कश्यप की मौत के 7 महीने बाद उसकी मां की भी इसी सदमे में मौत हो जाती है और हमला करने वाले हथियारों में से एक लड़का जेल में ऊंची दीवार से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। बाकी अभी जेल में है और मामला अभी तक चल रहा है। लेकिन जब अगले ही दिन इस दुर्लभ कश्यप के निधन की खबर आई, अखबारों में टीवी पर ये बात सुर्खियां बनी कि एक लड़का जो 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में आया और अपनी जिंदगी के 20 साल भी पूरे नहीं किए, उससे पहले ही मार दिया गया। वो इतने कम जीवन का दोषी भी था क्योंकि उसे डॉन बनना था। डॉन बनने के लिए उसने अपराध का रास्ता चुना, सोशल मीडिया का रास्ता चुना। उसने खुद को इतना बड़ा बनाने की कोशिश की। उसकी मौत के बाद उसके पिता आगे आए और बेहद भावनात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई और उस रास्ते पर चले, क्योंकि इस रास्ते में इसका अंत बहुत बुरा है, नतीजा सिर्फ मौत है। उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर भी कहा कि इन चीजों में इस तरह से ना आए, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा है, हकीकत कुछ और है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पिता के दिल पर क्या बीती होगी। सबसे बड़ा सबक दुर्लभ कश्यप की कहानी से है, जो आज का समय है जिसमें कई लोग डॉन बनने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ हिंसक पोस्ट करते हैं, जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं या कमेंट करते हैं, ये सोचकर कि कितना कूल या साहसी लगता है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि अंत उतना ही बुरा है। सोशल मीडिया और भले ही आज का तकनीक विज्ञान का आविष्कार एक वरदान हो, लेकिन ये निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग और उसका प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं। खुद को डॉन बनाकर दुनिया वालों और सामने वालों में अपना दबदबा कायम करने की आड़ में हम किस तरह गुनाह के दलदल में धंसते चले जाते हैं और फिर इस गुनाह का अंजाम कितना भयानक और कितना घिनौना इसका रूप होता है, इसी का जीता जागता उदाहरण हमारी आज की ये कहानी थी। आशा करता हूँ
कि आज की ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और एक सीख भी आप लोगों को ज़रूर दी होगी। हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारे आसपास हो रहे ऐसे ही वारदातों और घटनाक्रम को रोकने के लिए, खासकर टीनेजर्स में जो बच्चे अपराध की दुनिया में पांव रख रहे हैं और किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करके वो अपने इस अपराध के दलदल में धंसते जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए हमारा, आपका, हमारे समाज का, हम सब का प्रयास जरूरी है। इसी प्रयास को निरंतर जारी रखने के लिए स्टोरी विथ अरुण की एक विशेष पेशकश प्राइम टाइम नॉवेल में आप लोग सुन रहे थे साइकोलॉजिकल थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री स्टोरी सीरीज। आज की प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल रात 9 बजे रात्रिकालीन प्रस्तुति में इसी सीरीज का अंतिम कहानी लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरी सीरीज में टोटल 5 कहानियां मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, तो ज़रूर सुनिएगा इस सीरीज का आखिरी स्टोरी कल रात 9 बजे। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए और ज़िंदगी में सावधान रहिए। अब दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।